सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड और उसके बाद यूक्रेन दौरे की, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें, और वो इसलिए क्योंकि करीब 2.5 साल से चल रहा यूक्रेन युद्ध इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर है। यहां से ये जंग विश्व युद्ध में तब्दील होने की आशंका है, लेकिन इसके बीच प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, इसलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री की पहल से ये जंग खत्म हो सकती है, क्या रूस और यूक्रेन में समझौता हो सकता है। यूक्रेन ही नहीं, इस वक्त दुनिया इस उम्मीद से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही है, लेकिन इसके साथ ये भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर रूस की प्रतिक्रिया क्या होगी। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मॉस्को के दौरे पर थे, राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी जबरदस्त बॉन्डिंग वाली तस्वीरें भी दुनिया ने देखी। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री जेलेंस्की के साथ क्या बात करेंगे। इस बीच मॉस्को पर हमला करके यूक्रेन ने तनातनी और बढ़ा दी है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे से। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सॉ पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जबरदस्त स्वागत हुआ। लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को बेताब दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी 2 दिन पोलैंड में रहेंगे, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे और फिर प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा, व्यापार, सुरक्षा और डिफेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान पोलैंड ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए वहां पीएम मोदी के दौरे की खास अहमियत है। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाएंगे। 23 अगस्त को जब वो कीव में होंगे, तब उनके दौरे पर न सिर्फ अमेरिका और यूरोप बल्कि रूस की भी नजर होगी। जंग शुरू हुए करीब 900 दिन हो चुके हैं, अरसे से यूक्रेन जंग की तबाही झेल रहा है। लगातार युद्ध रूस के भी हक में नहीं है, इसलिए शांति तो सभी चाहते हैं। तो क्या पीएम मोदी समझौते का कोई रास्ता निकाल पाएंगे, ये सवाल इस वक्त सभी के मन में है, खास करके यूक्रेन के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। देखिए कीव से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक जंग जो 900 दिनों से जारी है, एक जंग जिसका 2.5 साल से कोई परिणाम नहीं निकला, न किसी की जीत न किसी की हार, शांति की तमाम कोशिशें नाकाम। यूक्रेन और रूस के बीच ये जंग इस वक्त बेहद निर्णायक मोड़ पर है। माना जा रहा है कि शायद विश्व युद्ध की वजह भी बन सकती है, क्योंकि अब यूक्रेन ने रूस पर पलटवार शुरू किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, और ऐसे हालात में युद्ध के बीचों बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से पहले पोलैंड और वहां से ट्रेन के जरिए यूक्रेन। हैरत की बात नहीं कि यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के इस दौरे पर टिक गई है। सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि जंग के बीचों बीच क्या भारत के प्रधानमंत्री शांति का कोई पैगाम ला रहे हैं। इटली की तस्वीरें पूरी दुनिया को याद है, जब G7 समिट में पीएम मोदी जेलेंस्की से मिले थे, गले लगाया था और संवेदना के साथ उनकी बात सुनी थी। तो क्या पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे में शांति दूत की भूमिका में हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री 23 अगस्त को जब यूक्रेन आएंगे तो युद्ध बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब शांति वार्ता संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई शांति का संदेश जो भारत लाएगा उसे सुनने के लिए रूस और यूक्रेन में कोई है? 8 जुलाई को रूस ने यह कहा था, रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि यह युद्ध का काल नहीं है। जब
बच्चे मरते हैं, चाहे आतंक हो चाहे युद्ध हो, जब बच्चे उनकी जानमाल का नुकसान होता है तो बहुत पीड़ा होती है। शांति का प्रयास भारत लगातार कर रहा है और भारत ने कहा है अगर रूस और यूक्रेन चाहेंगे तो भारत हर संभव मदद करने को तैयार है। जेलेंस्की को गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के साथ यूक्रेन की दोस्ती का सबूत दिया। हालांकि तीसरी बार सरकार बनने के ठीक बाद वो मॉस्को दौरे पर गए और वहां राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी। भारत रूस संबंधों के अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मजबूत दोस्ती को बयान करती इन तस्वीरों पर यूरोप और अमेरिका की नजर रही। पर स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने वाले भारत ने किसी भी ऐतराज को महत्व नहीं दिया। और अगर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जा रहे हैं तो अब भी दलील वही है, यूक्रेन एक भरोसेमंद दोस्त रहा है जिसे इस वक्त मदद की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि युद्ध के दौरान जैसी बर्बादी यूक्रेन ने झेली है उससे उबरना आसान नहीं। आर्थिक तौर पर तो यूक्रेन तबाह हुआ ही है, जिंदगी ने भी युद्ध के कभी नहीं भरने वाले जख्म खाए हैं। बड़ी तादाद में नौजवान जंग के मैदान में मारे गए, जो सही सलामत हैं वो अब भी मोर्चे पर लोहा ले रहे हैं। जब दो साल पहले फरवरी 2022 में मैं यूक्रेन और कीव पहुंचा था तब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था और यहां पर हजारों फूल खिले हुए थे। दो साल या 900 दिनों बाद अब यहां फूल नहीं, यहां केवल झंडे हैं, सैकड़ों नहीं हजारों हजारों झंडे। हर झंडे पर, हर ध्वज पर यूक्रेन के उस एक सैनिक का नाम लिखा है जिसने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया इस युद्ध में पिछले 900 दिनों में। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध 900 दिनों से चला आ रहा है और मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहां पर तस्वीर है उन वीरों की जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। हर उस सैनिक का नाम यहां लिखा है, हर उस सैनिक के नाम एक झंडा यहां लगा है। और ये देखिए, एक बहुत ही विस्तृत इलाके में कीव के बिल्कुल बीचों बीच, शहर के बिल्कुल बीचों बीच ऐसे हजारों झंडे यहां पर लगे हुए हैं और जो भी खाली इलाका है, डर और आशंका बस उसी बात की है कि यहां अभी और इस तरह के झंडे आ सकते हैं। यूक्रेन में सभी चाहते हैं कि जंग खत्म हो। यहां लोगों को उम्मीद है कि शांति में भारत और भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका हो सकती है। इसके अलावा इस कठिन समय में भारत का साथ आना यूक्रेन को हौसला देने वाला है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी अपने विचार साझा करेंगे। एक मित्र और भागीदारी के रूप में हम इस क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की आशा करते हैं। We are looking forward to having him here in Kiev. And it should not be just a visit. It should be the visit because it's the first one of a global player. And I mean, India can and should do more. Because playing big is something India can do every day. Playing smart, India can do every day. Now it's time to play global. And it's, for me, part of the Indian DNA to have rules. Rules also for the way how the wars were carried out in India. It's not typical for anyone else in the world. जब प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर थे उसी दौरान रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। बच्चों के अस्पताल पर हमले के बाद जेलेंस्की ने ट्वीट किया था कि ऐसे दिन दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश के नेता का खूनी अपराधी से गले मिलना बहुत निराशाजनक है। अब जेलेंस्की के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में यूक्रेन के साथ रक्षा तकनीक के साथ आर्थिक मुद्दों पर भी अहम समझौते हो सकते हैं। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी चौथी बार जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की तीन बार मुलाकात हो चुकी है। पिछली बार 14 जून 2024 को इटली में हुए G7 समिट में दोनों मिले थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की यह पहली आधिकारिक मुलाकात होगी।
इससे पहले दोनों देशों के नेता किसी दूसरे देश में मिलते रहे, जबकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के बुलावे पर ही यूक्रेन जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा वर्षों में यह पहली बार होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। जहां तक बात है यूक्रेन दौरे और रूस के साथ संबंधों की, तो भारत दोनों देशों के साथ संतुलन बनाने में कामयाब रहा है। भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की कभी आलोचना नहीं की और न ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया, मगर हमेशा यूक्रेन में मदद भेजता रहा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ही, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 2.5 साल पहले, तब से ही दोनों साइड से, यूक्रेन से भी रूस से, दोनों से ही कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही शांति संभव है। बैटल फ्रंट पे, बैटल फील्ड के ऊपर कोई शांति नहीं हो सकती, ना कोई वार्ता हो सकती है। और उस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने G7 के लीडर से बात करी है, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात करी है और यूक्रेन भी जाने वाले हैं। तो इससे हमारे बायलैटरल रिलेशंस तो यूक्रेन के साथ हैं ही, लेकिन उसके अलावा किस तरह से शांति की तरफ कुछ बढ़ावा हो सकता है, मैं समझता हूं कि यही एक बड़ा उद्देश्य भी होगा। क्योंकि हमें रेड लाइंस पता होती हैं, जब हम बात करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो किस तरह से उन रेड लाइंस को एक पोजीशन पे लाया जाए जहां पर कि दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे तो इन दोनों कंट्रीज को या इनके जो मैन्युफैक्चरर्स या बैकर्स हैं उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन भारत, जो कि हमेशा से शांति का दूत रहा है, वो ये कोशिश करना चाहता है कि अगर हमारे कहने से, हमारे होने से, हमें ट्रस्ट रहने की वजह से किसी तरह से इस प्रोसेस में बढ़ावा मिल सके। तो मैं समझता हूं कि यही है सब, अगर हल निकलेगा नहीं निकलेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन एफर्ट करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि डायलॉग और डिप्लोमेसी और यूएन चार्टर की रिस्पेक्ट के बिना शांति संभव नहीं है। और वो शांति की आवश्यकता है इस वक्त, क्योंकि सारी दुनिया इससे सफर कर रही है। अभी हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करी है, सारे ग्लोबल साउथ के देश जो हैं इस युद्ध के कारण परेशान है, उनको इफेक्ट हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। तो उस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म करना बड़ा जरूरी है। उसमें भारत जो एक सेन वॉइस है, मैं समझता हूं उसका अपना एक रोल है, और प्रधानमंत्री की मोदी की विजिट के कारण इसमें और भी बड़ा इजाफा होगा। यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी शांति बहाल करने की कोशिश का संकेत है, मगर इस वक्त जो हालात हैं उसमें समझौता आसान नजर नहीं आता। हुआ यह है कि जंग में अभी तक बैकफुट पर रहा यूक्रेन अब पलटवार कर रहा है। नेटो देशों की मदद से उसकी सेना रूस में घुस चुकी है, एक बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। और तो और, आज यूक्रेन ने सीधे मॉस्को पर ड्रोन से बड़ा हमला बोला। ऐसे हालात में जंग रुकेगी या बढ़ेगी, यह कहना मुश्किल है। देखिए ये रिपोर्ट। पलट गया है जंग का रुख, बदल गए हैं हालात। पहले यूक्रेन में रूस की सेना ने मचाई तबाही, मगर अब यूक्रेन कर रहा है पलटवार। ऐसे वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं, 2 दिन पहले यूक्रेन ने सीधे मॉस्को पर बड़ा प्रहार किया। यूक्रेन के 11 ड्रोन ने मॉस्को पर हमला बोला। मॉस्को के मेयर ने दावा किया है कि बुधवार की सुबह रूसी वायु रक्षा बलों ने 11 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। उनके अनुसार इन ड्रोन का इस्तेमाल कर मॉस्को पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है। मेयर सर्गेई सोबयानिन ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि ड्रोन हमले से निपटने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा के दम पर सभी 11 ड्रोन मार गिराए गए। मेयर ने दावा किया है कि किसी भी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मॉस्को पर ड्रोन हमले आम बात नहीं है, मई में भी हमला हुआ था, लेकिन रूस ने उसे राजधानी के बाहर ही मार गिराया था। हालांकि इसके चलते मॉस्को के 2 बड़े हवाई अड्डों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। यह हमला उस वक्त हुआ है जब यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क में सैन्य अभियान छेड़ रखा है। रूस यूक्रेन जंग की तस्वीर इस तरह बदलेगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी।
यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा करके बैठे रूस को तो बिल्कुल नहीं, मगर ऐसा हुआ। यूक्रेन की सेना न सिर्फ रूस में घुस गई, बल्कि दावा किया जा रहा है कि करीब 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। पिछले करीब दो हफ्तों में इस युद्ध ने एक बहुत निर्णायक नया रूप ले लिया है। अब तक पिछले 900 दिनों से जो युद्ध चल रहा था उसमें रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन पिछले करीब 12-15 दिनों में युद्ध में यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है। यूक्रेन ने कुर्स्क के इलाके में बहुत जबरदस्त एक हमला किया है, और उस हमले के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। कुर्स्क एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है रूस का। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, ट्रैक्ट और व्हील्ड ब्रैडली और स्ट्राइकर व्हीकल्स, अमेरिका और नेटो देशों ने जो हथियार और हथियार प्रणाली यूक्रेन को दिए, उन हथियारों में यूक्रेन के जो सबसे बेस्ट ट्रेन्ड सोल्जर्स थे उनकी एक पूरी ब्रिगेड यानी 3000 से ज्यादा सिपाही, उन्होंने एक बहुत ही जोरदार हमला किया रूस के अंदर, और महज दो हफ्तों में उन्होंने 1000 वर्ग किलोमीटर रूस का इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। आप यह अंदाजा लगाइए कि युद्ध जो 900 दिनों से चल रहा था, 900 दिनों के इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के करीब 1200 वर्ग किलोमीटर इलाके का डोनेस्क और लुहांस्क में नए इलाकों को अपने कब्जे में लिया, ये यूक्रेन ने महज 15 दिन में कर लिया। युद्ध का नया मोड़, यूक्रेन का हमला, रूस पर हमला और रूसी इलाके पर कब्जा यूक्रेन को हौसला देने वाली बात जरूर है, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि रूस कमजोर पड़ा है या वो पीछे हट जाएगा। यूक्रेन ने मास्को पर जिस वक्त हमला किया उस वक्त पुतिन चेचन्या में थे। चेचन प्रमुख रमजान कादिरोव से मुलाकात कर रहे थे। कुर्स्क में चेचन फोर्स की एक बटालियन रूसी सेना के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ रही है, यानी पुतिन भी मोर्चा बंदी में जुटे हैं। एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा करने का दावा किया। रूसी सेना ने कहा कि उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब माने जाने वाले पूर्वी यूक्रेन के न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लिया है। इससे पूरे डोनेस्क रीजन पर कब्जा करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अगस्त में 5वां मिसाइल हमला भी किया। असल में रूस पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है और लगभग 18% इलाके पर कब्जा कर चुका है। जबकि रूस के कुर्स्क इलाके में यूक्रेन को रोकने के लिए बेलारूस सामने आ गया है और यूक्रेन की सीमा पर सैनिक एयरक्राफ्ट और तोपें तैनात कर रहे हैं। इस तरह रूस आक्रामक है, बल्कि माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमले को मुद्दा बनाकर वो पहले से ज्यादा बड़ा हमला बोल सकता है। तेज होती जंग के साथ शांति की उम्मीद कमजोर होती जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि जब तक यूक्रेन उस इलाके को खाली नहीं करता तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल लाजमी है कि जब रूस और यूक्रेन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं तो शांति कैसे आएगी। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा से उम्मीद की जा रही है कि जब मोदी रूस गए थे तब पुतिन से साफ कहा था कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही हल निकालना चाहिए। लेकिन क्या रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का दौर क्या भारत की पहल से मुमकिन होगा? इस सवाल के जवाब पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी है। क्यों से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड नाइट। रूस और यूक्रेन दोनों आक्रामक हैं, तो फिर जंग रुकेगी कैसे? प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार कहा है कि बातचीत से ही समाधान संभव है। हो सकता है कि यूक्रेन में वो इस बातचीत के लिए रास्ता निकाले। गुड न्यूज टुडे की टीम ने यूक्रेन में कई लोगों से बात भी की। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। कीव में एक प्रोफेसर से हम मिले जो कि बेहतरीन हिंदी बोलती हैं। सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन आने से बिल्कुल पहले हम लोग इस समय
यहाँ की बहुत ही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तारा शिवचेंकोव नेशनल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने खड़े हैं और मेरे साथ यहाँ की पढ़ी हुई यहाँ की स्नातक एक बहुत प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट प्रोफेसर बोर्दोरोस्का है। डॉक्टर बोर्दोरोस्का, स्वागत है आपका आज तक पर। आप हिंदी बोलती हैं, भारत के बारे में बहुत ज्ञान रखती है। डॉक्टर साहब, भारत के प्रति आपका ये रुझान कैसे हुआ? सबसे पहले नमस्कार, और इस शुभ अवसर पर मैं आपको भी स्वागत करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आए इस मुश्किल समय में हमारे यहाँ यूक्रेन में। और ये जो विजिट श्री नरेंद्र मोदी का है, हमारा उम्मीद है कि वो शायद इतिहास बनेगा, इसीलिए कि ये पहली विजिट होगा, पहले दौरा स्वतंत्र यूक्रेन में सारे समय में। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ पे आएंगे, देखेंगे हम लोग कैसे हैं, हम कैसे रखते हैं, हम लोग कैसे हमारी लड़ाई कर रही है, और हम लोग क्या समझते हैं भारत के बारे में। जी अच्छा, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं, आपने कितने वर्ष लगाए, कितने साल लगाए हिंदी सीखने में और अब हिंदी पढ़ाने में? मैं हिंदी नहीं पढ़ाती हूँ, मेरा एक और विशेषता है इतिहास और नीति। तो भारतीय नीति के बारे में कुछ तो जानते हो और भारतीय इतिहास पढ़ाते हो। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे अनिश्वता ठाकुर दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।